हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में क्रिकेट विद विशाल में। आज बात करते हैं फास्ट बॉलर साइनी साइड किधर रखें, नई बॉल से और ओल्ड बॉल से। और पहले मैंने बताया हुआ है बॉल को स्विंग कैसे करते हैं, हाथ से हाथ का मूवमेंट क्या होना चाहिए, डिस्पोजिशन क्या होनी चाहिए। आप आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो है वो। सबसे पहले बात करते हैं बॉल को साइन कैसे करें, आपको बॉल को साइन कैसे करना है, नई बॉल से क्या करना है। बॉल को नई बॉल से ज्यादा साइन नहीं करता, जब नई बॉल होती है एक दो बार ओल्ड हो जाती है वो हल्के जो पैचेस लगते हैं, आप पैचेस पे जैसे ये पैचेस है उसको हल्का सा स्लाइवा तो भी बैन हुआ है, आप हल्का सा पसीना अपना लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये पैचेस लगे हुए हैं, नई बॉल से बोल रहा हूँ उसको हल्का सा करना है, उसको पूरा आपको साइन नहीं करना है, पूरा उस पर स्लाइवा लगा के पूरा साइन नहीं करना है, जहाँ भी हल्का सा पैचेस लगाए वो करना है, बाकी बॉल को ऐसे ही रहने देना है, नई बॉल से बोल रहा हूँ। जब एक दो ओवर दो तीन चार ओवर पुराना होता है, जितना बॉल पुराना होता जाएगा उतना आपको स्लाइवा का यूज़ करना है या अपना पसीने का यूज़ करना है। अभी स्लाइवा तो बिल्कुल बैन है तो आप पसीने का यूज़ कर सकते हैं, पसीने से उस बॉल को आपको पूरा साइन करना है, पूरा जैसे पसीना ये लगा के आपको पूरा इसको पूरा साइन करना है। और गाइज आपको क्या करना है, जिस साइड साइन किया है उससे दूसरी साइड आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, अगर उस पर पसीना या कुछ आपका स्लाइवा थोड़ा लग गया तो वो बॉल स्विंग नहीं होगा। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है जिस साइड को आप कर रहे हो आपको उस साइड ही करना है, और रिवर्स में तो खासकर वो रिवर्स नहीं होगा, अगर आप इसे इधर आपको रफ ही छोड़ना है, पूरा रफ होना चाहिए, देखो आप देख सकते हैं इधर आपको रफ छोड़ना है, जो साइड साइन रहेगा उधर आपको पूरा साइन करना है, और आपका सीम पे पूरा आपका स्लाइवा नहीं लगना चाहिए ना आपका पसीना सीम पे लगना चाहिए, सीम को आपको फ्री छोड़ना है, आपको ये साइड एक साइड पूरी साइन करनी है, ये बात जरूर ध्यान दे। अभी नए जो बॉल डालते हैं वो ये बात ध्यान नहीं देते, वो पूरी बॉल को पूरा पसीना लगा देते हैं तो बॉल अच्छे से स्विंग नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊंगा नई बॉल से क्या कैसे बॉल पकड़े जो स्विंग हो, तो आपको क्या करना है एक दो ओवर के बाद आपको कैसे साइन करना है, पैचेस पे साइन करना है, जैसे पैचेस है ना, जो पैचेस आएंगे हल्का सा भी जहाँ पे आपको लगेगा कि ये पैचेस आ रहे हैं वहाँ पे करना है, और हल्का हल्का करना है, जैसे ये पैचेस है हल्का अपना पसीना लगाया और उसी जगह पे हमें करना है, ये नहीं कि हम पूरा बॉल रगड़ रहे हैं, नई बॉल से आपको ऐसा नहीं करना है। और फिर स्विंग कैसे होगा, आपको क्या करना है, जैसे ये हमारी रफ साइड है, नई बॉल से बोल रहा हूँ, ये साइनी साइड है, तो आपको ऑपोजिट पड़ना है, अगर आपको आउटस्विंग करना है तो ये साइड इधर रहेगी, आउटस्विंग की ग्रिप देख लो, ये साइनी साइड है, ये रफ साइड है, आउटस्विंग के लिए नई बॉल से बोल रहा हूँ, जब नई बॉल से या सेमी न्यू बॉल हो जाता है उस टाइम की ये ग्रिप रहेगी, और इन स्विंग के लिए साइनी साइड आपकी इधर रहेगी, क्योंकि ये हवा को काटती हुई जाएगी, ये जरूर ध्यान दे, ये हमारी साइनी साइड है, ये आउटस्विंग की ग्रिप है, साइनी साइड इधर रहेगी और इन स्विंग में साइनी साइड इधर रहेगी, मतलब अपोजिट चलेगी, और रिवर्स में बिल्कुल अपोजिट होता है इसका। रिवर्स में आपको क्या करना है, जिधर साइनी साइड होगी, जिधर हमारा जो हम स्लाइवा लगा के पसीना लगा के जो हिस्सा हम ज़्यादा गीला कर देंगे, जो हमारा ज़्यादा गीला हो जाएगा वो साइड, उस साइड ही बॉल चलेगा, अगर ये हमें चलाना है इन स्विंग तो ये इन स्विंग चलेगा, ओल्ड बॉल से बोल रहा हूँ, और ये आउट स्विंग ओल्ड बॉल से, ये बात आप ज़रूर ध्यान दें। बाकी मैंने रिस्ट कैसे पकड़ना है, कैसे स्विंग होगा, वो दोनों चीज़ आप अगर इसमें मिक्स करेंगे ना तो ये आपका अच्छा स्विंग होगा बहुत, वो आई बटन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वो भी जाके जरूर देखें, बहुत अच्छा वीडियो है, और ये साइनी साइड मैंने आपको बता दिया, और साइन आपको अच्छे से करना है। तो गाइस ये आप जरूर ध्यान दें, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपका कुछ भी क्वेश्चन है या आपको कुछ भी पूछना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें, मोटिवेशन मिलता है, मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी नया चैनल है, आपका सपोर्ट चाहिए। गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।